आज जो आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं ये एनिमल्स हमारे अशोक जी ने खरीदे हैं जो छत्तीसगढ़ रायगढ़ से आए हुए हैं और आप इनको पहले भी वीडियोस में देख चुके क्योंकि ये लास्ट ईयर 26 फरवरी को भी हमसे 10 एनिमल लेकर गए थे। हाँ जी नमस्कार सर। नमस्कार। तो पिछली बार आप आज मतलब एक साल पहले तकरीबन पूरा एक साल पहले आप ले गए थे 10 एनिमल, तो किस टाइप के एनिमल्स थे और कैसा रिजल्ट रहा आपको? मेरे यहाँ तो ये मैं सोच रहा था कि सक्सेस हो पाऊंगा कि नहीं हो पाऊंगा। अच्छा जी। लेकिन जाने के बाद वहाँ रखने के बाद कुछ दिन बाद मेरे को पूरा एहसास हो गया कि ये यहाँ पे इस कंडीशन में भी सेट हो सकती है। ठीक है। आपने कितने कितने मिल्क लाइन तक के एनिमल लिए थे और क्या रेट पिछले साल तक लगाया था? मेरा मिल्क लाइन था 35 प्लस के आसपास, मतलब 30-35 के ऊपर ही थी सारी गायें। और क्या एवरेज पिछले साल रेट के कहाँ कहाँ मतलब एनिमल के हिसाब से? वैसे तो रेट होता है, देखिए ये तो बोलना गलत होगा कि हमने लाख में गायें ली या 80 में गायें ली। जो गायें होती है वो गायें अपना रेट खुद लगवाती है। 30 लीटर गायें और अकेली गायें दूध के ऊपर बिकती है ये बात गलत है। गायें हमेशा ब्रीड, उसके बॉडी स्ट्रक्चर और उसकी मेंटेनेंस के ऊपर, जैसी उसके रख रखाव के हिसाब से गायें पली होगी वैसे हिसाब से उसका रेट लग जाएगा। हाँ, लोगों के मन में एक चीज़ ये हो गई है आज के टाइम में कि वहाँ चलते हैं, वहाँ 30 लीटर वाली गायें इतने में मिलती है, यहाँ 30 लीटर वाली इतने मिलती है। आप एनिमल क्यों नहीं देखते कि आप एक तरह से जो एनिमल में गुण है, एनिमल में खासियत है, सारी चीज़ें एक बराबर नहीं हो जाती, पर कभी किसी चीज़ में उसको देख के पता चल जाता है। जैसे ये दो दांत बछिया कितनी टॉप क्वालिटी की भी खड़ी है आपके पीछे। आपने एनिमल लिए, मोस्ट ऑफ एनिमल्स मैं मेरे हिसाब से दो दांत चार दांत सारे फर्स्ट टाइम मर ही एनिमल लिए आपने। मेरे जितने एनिमल हैं पांच फर्स्ट, पांच फर्स्ट टाइमर हैं, दो दो दांत में सारे, दो दांत में हैं और तीन सेकंड टाइमर, तीन सेकंड टाइमर। ठीक है। तो पिछली बार का थोड़ा एक्सपीरियंस आप शेयर कीजिए कि पिछली बार एनिमल्स थोड़ा रिजल्ट मिला आपको, क्योंकि हर एनिमल जाते ही नहीं बिल्कुल हम बोले कि दूध डालना शुरू करे, महीना डेढ़ महीना तो एनिमल को लगता है। बिल्कुल रिजल्ट मिला उसका, मैं सोच के गया था कि ये 30+ आएंगे कि नहीं आएंगे, लेकिन उस गर्मी के कंडीशन में जाते जाते उस पर गर्मी चालू हो गई। गर्मी चालू हो गई थी, सही बात है। उस कंडीशन में मैं उसको 30+ से अबव मिल्क लेके आया हूँ। और सबसे मेन तो चीज है कि खाने का आपके पास व्यवस्था कैसा है, रहने का व्यवस्था, आप उसको मेंटेन कैसे करते हो, आपके ऊपर भी है, सही बात है। तो साल भर हो गया दूध, अभी भी मेरे उस जितने जानवर है उसमें 1 क्विंटल दूध अभी भी है मेरे। मतलब आपको अभी भी कुछ मतलब ऐसे एनिमल होते हैं जो तो 7-8 महीने दूध देके ड्राई हो जाते हैं, अभी 365 दिन दूध देने के बाद भी अभी 1 क्विंटल दूध 10 एनिमल में निकल रहा है आपका, ऑन एवरेज 10 लीटर अभी भी चल रही है। कि जैसे कुछ 7 महीने की प्रेग्नेंट होगी, कोई ड्राई भी हो गई है, कुछ जो बच्चा देने वाली है, फिर भी 1 क्विंटल दूध अभी चालू है। और एक साल हुआ नहीं है, एक बच्ची है तो फिर से वो ब्याह भी गई है, काविंग भी हो गई है उसके पूरे एक साल में। तो बाकी की भी आपकी ऑलमोस्ट दोबारा ब्याहने वाली है, जैसे प्रेग्नेंट होगी, ऑलमोस्ट सभी प्रेग्नेंट है, कोई 3 महीने 4 महीने 5 महीने। ठीक है, बढ़िया रोटेशन बनी हुई है। तो इस बार अपने टोटल 19 एनिमल्स दो गाड़ी का माल परचेज हुई है और बंदे हैं हमारे साथ। ठीक है ठीक है। दो गाड़ी लेके जा रहे हैं, 19 एनिमल टोटल। ठीक है जी। तो एक बात बताइए, आपको आपने इस बार भी मार्केट देखा, आपका आपके साथ बंदे थे उनको थोड़ा सा मन में था कि चलो मंडी जगराव मंडी देखते हैं करते हैं, तो कैसा अनुभव रहा मंडी का भी और बाहर से परचेज का भी? बाहर से घूम के परचेज करने में जितने मंडी में आजकल तो मेरे हिसाब से जो गाय बच जाती हैं जो हाँ जो अच्छे ग्राहकों तक नहीं पहुंचती या फिर जो पास नहीं होती कोई छोड़ जाते हैं लोग, वो मंडियों में जाके मिलती हैं। हर आदमी सोचता है कि जो गाय घर में बिक जाएगी तो मंडी क्यों लेके जाना, सही बात है। आपने हमारे यहाँ जो एनिमल्स देखे चलो परचेज किए, आप उनके भी आपने अच्छी खासी देखा, 3-4 दिन आप रुके तो पता चला कि एनिमल कैसे बिक्री होती है। और एनिमल आज के टाइम में हम अच्छे से अच्छा ढूंढ के लाते हैं और उसको 10 मिनट नहीं लगते कि हाँ भाई सेल होने में, जो लेने आता है उसको पता होता है कि हमें अगर ये चीज़ मिल रही है तो कितना घूमना पड़ेगा उस चीज़ के लिए, हम कितना घूमें आप अपने हिसाब से। आपने मेरा तो इस बार आए हुए करीब लगभग 1 हफ्ते हो गए, एक हफ्ता हो गया, रोज हम लोग 500 किलोमीटर 700 अप डाउन, हाँ अप डाउन हमारा होता था 250-300 डेली आना जाना लगा रहता था। तो एनिमल्स की खरीदारी फिर भी पता चला कि इतना कितना एफर्ट करना पड़ता है, तो अकेला जेब में पैसा लेके डाल चलते है तो एक ही दिन में एनिमल मिल जाते, पैसे से नहीं एनिमल मिल जाता, खोजना पड़ता है। जहाँ 10 एनिमल थे वहाँ से एक लिया, 20 एनिमल से 2 एनिमल निकाले तो जाके थोड़ा एफर्ट किया। तो बाकी आपके भी एनिमल इस टाइम तैयार है, चलो एनिमल्स लोडिंग हो रहे हैं,
तो मेन तो ये है कि छत्तीसगढ़ तो काफ़ी दूर है, महाराष्ट्र भी जाते हैं एनिमल्स, आप लोग साल भर बाद आते हो, चलो आपका विश्वास है कि ठीक है, आपका पिछले साल भी एनिमल में भी लॉस हुआ था, तो वो भी हमने बोला था कि आपको आप जैसे चाहोगे आपका वैसे हो जाएगा एडजस्टमेंट, कि चलो आपको कोई ना कोई कवर करके देंगे, कि आपको भी एक तरह से ये मोटिवेशन मिलता रहे कि हम आपके साथ ही हैं। तो इस बार आपको एनिमल्स पिछली बार से ज़्यादा थोड़े आपने पिछले बार से थोड़ा ज़्यादा हैवी एनिमल लिया इस बार मैंने। अच्छा जी, हर गाय लगभग मेरा 40+ है। ठीक है, मेन बात ये है कि दो दांत में बच्चे, मतलब काफी हाइट ब्रीड की, जो नॉर्मल ब्रीड क्वालिटी, और मंडी में तो वैसी एक भी गाय नहीं थी जैसी आपने खरीदी। मंडी घुमा, मेरे हिसाब से कुल मिला के 15-20 गाय अच्छी रही होंगी, उसमें से एक दो गाय तो हमने ही लिया है। सही बात है, सही बात है, दो गए, हाँ दो गए हमने लिया, सही बात है, दो दो दांत वो भी बची है, दोनों लिए, बढ़िया डेनमार्क की। चाहे तो जगराव मंडी का वीडियो बहुत सारे यूट्यूबर बनाते हैं, हाँ एक गाय हमने ही लिया, उसमें से दो गाय हमने लिया। सही बात है, अच्छी गाय मेरे ख्याल से नहीं थी मंडी में, नहीं थी। चलो घूमने के बाद मंडी में इतने गाँव में करीब 8-10 हजार गायों में मंडी गाय नहीं मिल रही है, नहीं मिल रही है, सोच लीजिए कितना घूमना पड़ता होगा। हाँ, और लोग आजकल, मेरे को तो ये नहीं समझ आ रहा कि अपनी पब्लिसिटी करने के लिए लोग बोल रहे हैं कि 60-70 हजार में पंजाब में गायें मिल रही है, तो गायें तो वो तो हम 40 हजार में भी 50 हजार में भी ले देते हैं, गायें तो उसको थोड़ा ना बोलते हैं। ब्रीड खोजने के लिए तो मेहनत करना पड़ेगा। हाँ जी, बिना ब्रीड के अब दूध निकालेंगे बोले तो जो भी गाय में ब्रीड रहेगी उसी में दूध रहेगा, उसी में दूध रहेगा। नॉर्मल गाय दूध तो दे देती है, 2 महीने देगी, 3 महीने देगी, पर आप उसका लैक्टेशन नहीं ले सकते। जैसे हमारी एनिमल्स लिए ऑलमोस्ट 7-8 हजार लीटर पर एनिमल आपको लैक्टेशन आराम से मिला होगा, बिल्कुल, अगर अभी तक लगा के चलें तो 7-8 हजार डेली का प्रोडक्शन आपका बढ़िया रहा होगा, एक 300 दिन का जो एवरेज हम निकालते हैं। तो बाकी पंजाब के गांव मेरे को ये लगा कि ये लगभग मास्टाइटिस फ्री रहते हैं। मेरे पास तो गाय, मेरे लोकल एरिया की भी गाय हैं, पंजाब की भी गाय हैं, मैं को साल भर लगभग पंजाब के गांवों का हो गया, उसमें मेरे को किसी प्रकार का मास्टाइटिस के लिए किसी प्रकार का कोई इंजेक्शन, क्योंकि हम एक चीज देखिए कोई गाय वैसे बीमार पड़ी, हाँ कुछ उनके लिए कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट डालना पड़ा। सही बात है, और उनमें मेन बात है वैक्सीन लगी होती है, कोई भी बीमारी नहीं जल्दी आती उनके, नहीं आई है ना मेरे को, मैं तो डर रहा था कि इतने पहली बार लाया हूँ, हाँ मैनेज कर पाऊंगा कि नहीं पाऊंगा, लेकिन मेरे को उससे ज्यादा तो मेहनत मेंटेनेंस मेरे को जो लोकल गाय है उनमें लगी। अब आप खर्च खिला पिला उसको भी रहे हो, खिला पिला इनको भी रहे हो, आप इनसे कितना दूध ले रहे हो, उनसे कितना ले रहे हो, खर्चा देख लो आप मिला के, तो इसीलिए लोग पंजाब का रुख करते हैं कि ठीक है पंजाब आते हैं, पंजाब से अच्छी नस्ल की अच्छी बढ़िया बॉडी स्ट्रक्चर की गायें लेते हैं, जो कम से कम आप मेंटेन करके उनको आगे और लंबी लैक्टेशन तक चला सको। उनमें आप अब ABS के सीमन यूज़ कर रहे हो? मैं लगभग हर गायों में ABS का सीमन यूज़ किया हूँ। ठीक है, गाय पंजाब के थे, इस बार जाऊँगा तो मेरा डिफरेंट ब्रीड भी जा रहा है। हाँ, वर्ल्ड वाइड भी जा रहे हैं आपका, इस बार ज़्यादातर आपके वर्ल्ड वाइड सायर की 4 एनिमल्स हैं और उसमें भी मैं सोच रहा हूँ कि अच्छा ही इन फ्यूचर अच्छा सीमेंट उसमें यूज करूँगा। ठीक है, तो अब आपका सिलेक्शन हो गया, एनिमल्स लोडिंग होने वाला है, ये हमारी भी ये शुभकामनाएं हैं कि चलो एनिमल्स आपके अच्छी तरह से आपके डिलीवर किए जाएं, और वीडियो में भी हम थोड़ा पब्लिश करेंगे एक बार, आपके एनिमल्स शो करेंगे कि जो जिस टाइप के आपके एनिमल्स आपने परचेज किए हैं। तो पिछली बार आए थे तो फर्स्ट टाइमर थे, न्यू बिगिनर थे, तो आपको था कि कई बार होता है कि नया अनुभव होता है एनिमल, आपने तब भी 1.5 लाख का भी एनिमल खरीदा था, उस टाइम पे 1,35,000 की भी गायें खरीदी थी। ये नहीं है कि आदमी सोच के आता है कि हम लोग 1.5 लाख की या 2 लाख की गायें ले लेंगे, इस बार भी आपने नहीं सोचा था कि इतनी महंगी गायें लेंगे, पर गायें देखने के बाद वो चीज़ अगर मिल जाए सामने तो आदमी पीछे नहीं हट सकता जिसने लेनी हो। इस बार तो मैं सोच के आया था भले ही गाय कम लूंगा लेकिन ब्रीड वाली लूंगा, अच्छी लूंगा, और पूरा आपका तसल्ली, जो हमारे यहाँ से एनिमल लिया आपने 4, ना तो उनमें हमें ज़्यादा टाइम लगा, क्योंकि ना ऐसे सौदेबाजी वाली बात ही, क्योंकि आप रेगुलर कस्टमर, तो हमें भी होता है कि ठीक है कस्टमर ले रहा है तो अच्छी चीज़ उसको देने का हक है। नॉर्मल गायें तो जितनी भी थी आपने देखी है, मेरे तकरीबन आपके रहते रहते ही तकरीबन 60-70 गायें मैंने आई और बेच दी, तुरंत लोड कर दी, जो आपने नहीं भी ली मैंने वो भी तुरंत आपको बोला कि ठीक है आपके चलती है, ठीक है नहीं तो हमारी लोडिंग हो रही है, नहीं तो एक एक गाय के लिए हम लोग दिन भर घूमते रहे सही बार। और यहाँ से जो टाइप मिली एनिमल्स की, वैसे नॉर्मल गायें भी नहीं मिली और रेट की भी नहीं मिला, मतलब वो चीज़ नहीं मिलती नॉर्मली, क्योंकि हम भी 20-20, 30-30 एनिमल्स डेली खोजते रहते हैं, उनमें से जो अच्छा लगे हम अपने लिए ले लेते हैं। और बाकी ठीक है, आपके एनिमल्स अच्छी तरह से पहुँचे, हम आशा करते हैं कि एनिमल्स तकरीबन 15-20 दिन आपके वहाँ जाके सेट हों, तो आप भी एक बार वीडियो
पूरा भेजें तो हम अपने चैनल पे अपलोड करेंगे कि लोकल कस्टमर्स को भी और वहाँ छत्तीसगढ़ के भी जो फार्मर्स हैं उनको पता चले कि आप वहाँ पे अपनी ब्रीड डेवलप कर रहे हो और जो आगे चल के आप अभी इन्वेस्टमेंट कर रहे हो वो आगे चल के आपको थोड़ा सा रिटर्न अच्छा देना शुरू करें, क्योंकि आपके थोड़ा सॉलिड बेस हो जाएगा कि आपके पास ब्रीड होगी अपनी तैयार करने के लिए। तो आज का महंगा कल को आपको वो नहीं लगेगा, क्योंकि आपने एक अच्छी चीज़ में इन्वेस्ट किया तो आपको फ्यूचर में उसके ऊपर बार बार चेंज नहीं करना पड़ेगा। तो इसी के साथ हम वीडियो अपनी कंप्लीट करते हैं और इनकी एक बार फोटो और वीडियो शेयर करेंगे कि जो जो एनिमल्स इन्होंने परचेज किए हैं, और फिर इनकी लोडिंग की भी वीडियो एक बार अपलोड की जाएगी।